महाराष्ट्र एक तरफ कोरोना संकट से जूझ रहा है तो दूसरी ओर राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी नेता नारायण राणे के राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग के एक सप्ताह बाद भी राज्य में तीन दलों के गठबंधन से बनी उद्धव सरकार पर आशंका के बादल छाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने कह दिया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की वो कोई कोशिश नहीं कर रही है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच पिछले 7 दिनों में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, जिससे लगता है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो जरूर पक रहा है। दरअसल कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सीधे सीएम उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का श्रमिक ट्रेन को लेकर उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधना और पिछले सोमवार को बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। शनिवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से एक हफ्ते में दूसरी बार मुलाकात और बैठक की है। राज्य के दोनों वरिष्ठ नेताओं की ये बैठक मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा में हुई है। राजनीतिकारों का मानना है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार पर आशंका के बादल छाए हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि अंदर की खबर तो ये भी है कि एनसीपी और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। वहीं कांग्रेस पहले ही उद्धव ठाकरे से पल्ला झाड़ चुकी है। बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के दिन पूरे हो गए हैं। कोरोना वायरस से बिगड़े अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने गुरु मंत्र दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के 125 साल पूरा होने के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने गेटिंग ग्रोथ बैंक पर अपनी राय रखी। इस दौरान मोदी ने आश्वस्त किया कि हम अपना ग्रोथ हासिल करेंगे। मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और उसे रफ्तार देना जरूरी है। इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया का भारत पर विश्वास भी बढ़ा है और नई आशा का संचार भी हुआ है। कोरोना के संकट में जब किसी देश के लिए दूसरे की मदद करना मुश्किल हो रहा था, हर कोई अपने को संभालने में लगा था, ऐसे संकट की घड़ी में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को मेडिकल सप्लाई भेजकर उनके लिए मानवीय मदद का काम किया है। उन्होंने कहा कि विश्व एक रिलायबल साझेदार की तरफ देख रहा है, भारत में वो सब कुछ है। पूरे विश्व में भारत के प्रति जो विश्वास बढ़ा है उसका पूरा फायदा उद्योग जगत CII जैसे संगठन उठाए। पीएम ने कहा कि आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, सरकार 4 कदम आगे बढ़कर साथ देगी। पीएम के तौर पर मैं भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार गिरती अर्थव्यवस्था पर मोदी को निशाने पर ले रही है। देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है, ऐसे समय में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है और पीएम मोदी के हर फैसलों पर कांग्रेस को एतराज रहता है, जबकि विश्व के दूसरे देश मोदी और भारत के द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में सूत्रधार रहे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर कमलनाथ भारी पड़ रहे हैं। राज्यसभा जाने की चाहत में दिग्गी राजा ने जो खेल किया अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा से पत्ता कटने जा रहा है। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बदले फूल सिंह बरैया को राज्यसभा भेजना चाहती है, लेकिन बदले सियासी हालात में अभी संशय बरकरार है। पार्टी उपचुनाव को देखते हुए MP में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही दलित चेहरे फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में भेजने की मांग उठने लगी है। साथ ही दिग्गी विरोधी खेमा ये मांग करने लगे हैं कि बरैया को राज्यसभा भेज बीजेपी समीकरण बिगाड़ सकती है। बरैया के पक्ष में लॉबिंग कर रहे नेताओं का तर्क है कि उन्हें राज्यसभा भेजकर आरक्षित वर्ग के वोटों का लाभ ले सकते हैं। वहीं फूल सिंह बरैया कमलनाथ गुट के हैं और बदले हालात में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के संबंध भी ठीक नहीं है। अगर पार्टी इस पर राजी हो गई तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए जब 2 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था तब प्रदेश में सरकार थी। उस वक्त तय ये था कि कांग्रेस 2 सीटें निकाल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं। अभी के हालात में 2 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच खींचतान जारी है। ममता बंगाल में एक तरफा राज करना चाहती हैं और पीएम मोदी से डरी रहती हैं।
कोरोना पर ममता सरकार घिरी हुई है, केंद्र की गाइडलाइन दीदी को पसंद नहीं आती है। लिहाजा ममता बनर्जी ने गुस्से में कहा कि केंद्र सरकार को अगर उनकी सरकार से इतनी समस्या है तो यहाँ आकर राज्य सरकार चला लें। ममता के इस बयान पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें लपेट दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ज्यादा परेशान नहीं हो, 2021 में बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत से आएगी। दरअसल बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर केंद्र ने कोरोना वायरस से निपटने को लेकर लापरवाही करने का आरोप लगाया था। केंद्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय टीम तक भेजी थी। टीम ने खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में सरकार कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रही है और वहां वायरस बेकाबू होता जा रहा है। इस बीच केंद्र और ममता बनर्जी के बीच कई बार वाक युद्ध भी हुआ। तिलमिलाई ममता बनर्जी ने केंद्र को दो टूक दिया कि अगर इतनी परेशानी है तो अमित शाह ही बंगाल की सरकार चला लें। इस पर अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी की इच्छा है कि बीजेपी वहां सरकार चलाए तो उनकी ये इच्छा जल्द ही पूरी होगी। 2021 में पश्चिम बंगाल में जनता बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इससे पहले भी ममता कई बार केंद्र सरकार से दुश्मनी मोल ले चुकी हैं और राजनीतिक लाभ के लिए राज्य के लोगों का नुकसान करा चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू हैं, लेकिन कोरोना पर राजनीति चरम पर है। सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना महाराष्ट्र के हालात पर टोपी ट्रांसफर करने में जुट गई है। प्रदेश को बीच मझधार में फंसाकर सीएम उद्धव ठाकरे अब अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। शिवसेना की माने तो प्रदेश में कोरोना के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है। शिवसेना केंद्र सरकार के लॉकडाउन के फैसलों पर सवाल उठा रही है, जबकि सीएम उद्धव ठाकरे अपने राज्य में लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर चुके थे। लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म होने से पहले सीएम उद्धव ठाकरे लॉकडाउन 4 की घोषणा कर चुके थे। वहीं उद्धव ठाकरे लॉकडाउन खत्म करने के लिए भी तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में अभी भी 30 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन शिवसेना फिर भी मोदी सरकार को लॉकडाउन के लिए जिम्मेदार मान रही है। प्रवासी मजदूरों पर भी शिवसेना राजनीतिक रोटियां सेक रही है। प्रवासी मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार करने वाली शिवसेना अब इस पर भी सफाई दे रही है। सामना में कहा गया कि गरीब प्रवासी मजदूरों को जो दिक्कतें हुई उससे आजादी के समय की याद आ गई है। हालांकि शिवसेना ये भूल रही है कि जब केंद्र मजदूरों के लिए ट्रेन उपलब्ध कराई उस दौरान शिवसेना रेल मंत्रालय को लिस्ट तक नहीं सौंप रही थी। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे राज्य में हवाई सफर और ट्रेनों के संचालन के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब राज्य बुरी तरह कोरोना की चपेट में है तो उद्धव ठाकरे अब सारा आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। वहीं सामना के संपादकीय में शिवसेना ने एक तरफ मोदी की तारीफ भी की है। संपादकीय में कहा गया है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये देश का भाग्य है, वो देश और यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, वो सक्षम नेता हैं और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनके सामने टिक सके। मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ अच्छे फैसले किए हैं। हालांकि इन सब के बीच सवाल है कि अगर सबके लिए जिम्मेदार मोदी ही है तो उद्धव ठाकरे सीएम किस लिए बने हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है। केजरीवाल लोकल और स्थानीय होने की राजनीति करते हैं और जनता के सामने अपने को जमीन से जुड़ा नेता बताते हैं, लेकिन बीजेपी ने अब दिल्ली की कमान जिसको दी है वो तो कभी ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चलाता था। केजरीवाल की तरह आईआरएस की नौकरी भी नहीं की। दरअसल मनोज तिवारी की जगह बीजेपी ने आदेश गुप्ता को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आदेश गुप्ता एक साल पहले तक नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। माना जा रहा है कि मनोज तिवारी की जगह बीजेपी ने जमीनी और दिल्ली से जुड़े नेता को अध्यक्ष बनाया है, जिसकी मांग काफी वक्त से चल रही थी। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मुकाबला बराबरी का होगा। बीते दिनों भी केजरीवाल बाहरी और लोकल की राजनीति कर रहे थे, जिस पर विरोधियों ने सवाल उठाया था। आदेश गुप्ता के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने से केजरीवाल को झटका जरूर लगेगा, क्योंकि उनकी छवि भी एक आम आदमी की तरह है, जिसका लाभ बीजेपी को आगामी चुनाव में मिल सकता है। वहीं दिल्ली बीजेपी के स्थानीय नेताओं को भी आदेश गुप्ता के अध्यक्ष बनने से मजबूती मिलेगी। पूरे विश्व भर में कोरोना तबाही मचा रहा है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका से लेकर भारत तक कोरोना को मात देने के लिए एकजुट हो चुके हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। अमेरिका पहले ही WHO से अपना संबंध तोड़ चुका है। उसका आरोप है कि WHO चीन के इशारे पर काम कर रहा है। अब WHO को झटका देने की तैयारी में भारत भी है।
खबर है कि भारत ने अब अकेले ही कोरोना को मात देने का फैसला किया है। भारतीय वैज्ञानिक ने साफ कर दिया है कि उन्हें WHO के किसी भी सुझाव की जरूरत नहीं होगी। भारत WHO से इसलिए भी नाराज है क्योंकि WHO ने कोरोना वायरस के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को घातक बताया था और दवा ट्रायल बंद करने का फैसला किया था। दरअसल इसके पीछे WHO की बड़ी साजिश है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अधिकतर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक और दवा कंपनियां भारत के बेहद सस्ते दवा को उपचार में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर कोरोना वायरस के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी दवा का इस्तेमाल बढ़ जाएगा तो फिर पश्चिमी देशों की दवा का काफी नुकसान हो जाएगा, इसलिए WHO इसके ट्रायल पर रोक लगाना चाहती है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिकों ने WHO के इस फैसले के उलट जाकर डॉक्टर से कहा था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा कोरोना वायरस के इलाज में कारगर साबित हो सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने ताजा शोध में कहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवा लेने पर कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे में कमी देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।